दोस्तों, मैं आपका मित्र अनुराग द्विवेदी, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं उपस्थित हूँ महोबा के कीरत सागर में, जहाँ पर यह स्थित है, आल्हा का बैठका। और इस बैठका में आते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि आल्हा उदल के विषय में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्यों ना आप सभी लोगों को आल्हा उदल के पिता के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं महोबा का ही निवासी हूं, तो मैं आपको किसी ग्रंथ का दावा नहीं करता हूं, ना ऐतिहासिकता का, लेकिन जो यहां कहानियां प्रचलित हैं मैं उनके बारे में ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, देशराज बच्छराज महाराज परमाल की सेना में सेनापति के रूप में रहा करते थे। और एक समय की बात है कि महाराज परमाल ने उनका विवाह ग्वालियर नरेश की पुत्रियों से करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि ये लोग कहीं वापस चंदेरी न चले जाएं, क्योंकि महाराज परमाल चंदेरी के ही रहने वाले थे। वहीं से देशराज बच्छराज का परिवार भी आया था साथ में। तो ऐसा विचार करके महाराज परमाल ने देशराज बच्छराज का विवाह ग्वालियर में दलपत साय की बेटी के साथ करा दिया, जिससे देशराज की शादी हुई देवला से और बच्छराज की शादी हुई बिरमा से। और इनने दसपुरवा नाम का एक पास ही में रियासत थी, वो दसपुरवा महाराज परमाल ने देशराज को दे दिया। और सिरसागढ़, जो उरई और झांसी के बीच में पड़ता है, वो सिरसागढ़ बच्छराज को दे दिया। तो दोनों भाई अपने अपने राज्यों की रियासतों की जो है देखभाल करने लगे। लेकिन बच्छराज बहुत अधिक प्रेम करते थे अपने भाई से, तो वो यहीं पर आकर के दसपुरवा में निवास किया करते थे, राजकीय काम काज निपटा करके। अब तक में देशराज के आल्हा नाम के पुत्र की उत्पत्ति हो चुकी थी, और बच्छराज के मलखान और महाराज परमाल के ब्रह्मा नाम के राजकुमार की उत्पत्ति हो गई थी। और इसी कुछ समय बाद गंगा दशहरा का मेला आया, और वहाँ पर गंगा दशहरा देखने के लिए महाराज जम्बे का ज्येष्ठ पुत्र करंगा राय भी अपने पिता से जिद करने लगा, जबकि महाराज जम्बे की इच्छा नहीं थी कि ये जाए, लेकिन वो जिद करके अपने पिता से आज्ञा लेकर के आ रहा था। तो उसके बहन ने भी कहा कि मेरे लिए कोई उपहार लाना, तो राय करंगा ने उसको वचन दे दिया। वह उसकी इकलौती बहन थी, बहुत अधिक स्नेह करता था। तो मित्रों, वो बिठूर घाट में आया, और वहाँ पर उसने स्नान आदि किया, दान पूजन दक्षिणा आदि से फुर्सत होकर के जब वह मेला प्रांगण में गया, तो उसने चारों तरफ अपने अनुरूप उपहार की खोज की, लेकिन उसे कहीं 1 लाख का हार नहीं मिला। सभी स्वर्णकारों के यहाँ उसे छोटे मोटे जेवर ही दिखाई देते रहे। तो उसका मन उदास हो गया, और वह जाकर एक जगह बैठ गया। इतने में ही राजा माहेल, जो उरई के राजा थे, वो आए और बोले, भांजे क्या बात है, क्यों आप इतने दुखी हैं? तब करंगा राय ने कहा कि मामा क्या बताऊं, मैं अपनी बहन को वचन दे आया था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा अनमोल तोहफा लेकर आऊँगा मेला से, लेकिन यहाँ पर हमारे अनुरूप कुछ भी नहीं मिल पाया। तो माहेल बोले, भांजे तुम जरा भी चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर आपको जो है 1 लाख के 2 लाख के हार की बात क्या है, लाखों रुपए का 9 लखा हार मिल जाएगा, और उसके
समानता के अनेकों हार मिल जाएंगे। आप महोबा चलिए और वहाँ का राजा कमज़ोर है, उसको आप सहज में ही जीत लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह करके मायल ने करेंगा राय को उकसा दिया और वह अपनी ओरई की ओर प्रस्थान कर गया। करेंगा राय बिठूर घाट को क्रॉस करते हुए, घाट पर आसन होते हुए हमीरपुर बेतवा नदी को क्रॉस करके 24 घंटे के अंदर महुआ में आ पहुंचा। और जब वह आया तो लगभग जो है सुबह का पहर हो रहा था और वहीं किसी कार्य से तारा सैयद जो बनारस के सामंत थे वो आए हुए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी फौज पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने विचार किया कि जब तक हम हैं तो हम किसी प्रकार से महोबा का अहित नहीं होने देंगे। और उनकी इस विचारधारा के अनुसार उन्होंने करेंगा से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इधर देशराज बच्छराज ने जब देखा कि युद्ध प्रारंभ हो गया है तो उनका भी मनोबल बढ़ गया और उन्होंने भी करेंगा के साथ में बहुत खतरनाक युद्ध किया और करेंगा राय को बिल्कुल अस्त व्यस्त ध्वस्त कर दिया। तब करेंगा ने अपनी भागने में ही भलाई समझी। इस प्रकार से वह पहली लड़ाई में पराजित हुआ और ताला सैयद आदि के सहयोग से करेंगा राय को भागना पड़ा, महोबा की विजय हुई। लेकिन करेंगा जैसा अभिमानी व्यक्ति शांत कैसे रह सकता था? उसने वहाँ जा कर के अपनी नई सेना का निर्माण किया। वह रोजाना उस क्रोधाग्नि में जलता रहा। जब वह अपनी सेना का निर्माण कर चुका तब वह दोबारा आक्रमण करता है और इस बार उसने एक षड्यंत्र भी किया। वो षड्यंत्र ये था कि उसने अर्धरात्रि के समय सोते में ही हमला कर दिया। तो सर्वप्रथम उसने दसपुरवा में आक्रमण किया और वहाँ बक्षराज का वध कर दिया, देशराज को बंदी बना लिया और जो हार देवला रानी के पास में था उस हार को छीन लिया, हाथी पश्चावत को ले लिया, बाज करेलिया को ले लिया, लाखा पातुर को ले लिया और उसके बाद उसने पूरे नगर में आग लगा दी। और फिर आया महोबा, महोबा में भी उसने भीषण लूटपाट की और उसके बाद वह बंदी बना के देशराज को अपने गढ़ माड़ों ले गया। मित्रों, जब वह माड़ों ले गया तो वहाँ पर उसकी बर्बरता शांत नहीं हुई, उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। वहाँ उसने एक पत्थर का बहुत बड़ा कोल्हू गड़वा दिया और उसमें देशराज को जिंदा ही पिरवा दिया। और जब वह गर्दन तक पेरा जा चुका तब करेंगा ने अपनी तलवार से देशराज की गर्दन अलग कर दी और इन दोनों भाइयों की खोपड़ियां लेकर के उसने अपने यहाँ के एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया। और जब वह खोपड़ियां उसमें लटक गईं तो वह रोज रात्र में ही पुकारा करती थीं कि कब हमारे महोबा में कोई ऐसा सूरवीर होगा जो हमें यहाँ से मुक्ति दिलाएगा, आला कब तुम आओगे। लेकिन अब यहाँ की बात यहाँ ही रह गई, कौन कहने वाला था महोबा में, उस लुटे पुटे महोबा में सार चारों ओर मातम था। महारानी देवला, रानी मल्ला और बिरमा ये तीनों बहुत दुखी थीं। ऐसी शोक संतप्त अवस्था में धीरे धीरे करके 6 माह हो गए और वह समय आ गया जब उदल का जन्म होता है दसपुरवा में। तो माता देवला इतनी दुखी थी कि उन्होंने पुत्र का मुख देखना भी उचित नहीं समझा और उसका परित्याग कर दिया। जब यह खबर रानी मल्ला को प्राप्त हुई तो वह तत्काल अपनी पालकी लेकर के दसपुरवा में पहुंच जाती हैं और उदल को
अपने पुत्र की भांति अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने महुआ आकर के सभी प्रकार के संस्कार करवाए और अनेक प्रकार के दान दिए। जिसको जिस चीज़ की इच्छा थी उस चीज़ का दान दिया और माता मल्ला ने अपने पुत्र के समान ही लालन पालन शुरू कर दिया। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दाया आचर ब्रह्मा पीवे बायां पिए उदय सिंह राय, यानी कि अब दूध का भी फर्क नहीं था। माता मल्ला ने जो है अपने पुत्र के समान ही ऊदल का लालन पालन किया और हमेशा उसे अपार स्नेह दिया। तो इस प्रकार से ऊदल का लालन पालन होता रहा और माता मल्ला के सानिध्य में वह पलते बढ़ते रहे। इसी बीच आगमन हुआ ताला सैयद का पुनः, और जब परमाल के द्वारा उन्होंने सारा हाल चाल सुना तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे न रहने पर ऐसा हो गया। तो वह फिर परमाल के कहने पर यहीं महुआ में ही टिक गए और उन्होंने आल्हा उदल मलखान ढेवा सुलखान सभी की जो है शस्त्र विद्या की शुरुआत कराई और उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र इन लोगों को चलाना सिखाया। इस तरीके से इनका एक राज परिवार के सदस्यों की भांति ही लालन पालन हुआ। लोग कह देते हैं कि आल्हा उदल तो नौकर थे, लेकिन नहीं, वो अच्छे अच्छे राजाओं के राजकुमारों से बेहतर स्थिति में थे। उनका पालन पोषण बहुत उचित ढंग से हुआ। उसके पश्चात आल्हा ने देवी शारदा की घोर तपस्या की तो उनने वरदान स्वरूप उनको अमरता का वरदान दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से इन चारों राजकुमारों का लालन पालन हुआ, क्षमा करें पांचों राजकुमारों का, और सभी राजकुमार बढ़ने लगे। अब मैं आपको अगले वीडियो में इनके बारे में और कुछ बताऊंगा। अगर आप लोगों का आदेश हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्होंने गढ़माड़ों पर चढ़ाई करके अपने पिता का बदला लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप सभी लोगों का आभारी रहूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।